हेलो एवरीवन वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी राजे तो एविडेंस की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फर्दर चैप्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं कंपैरेटिवली तो पार्ट फोर जो है नए लॉ में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस वो पुराने लॉ में पार्ट थ्री हुआ करता था है ना चैप्टर नाइन में सेक्शन 118 से लेकर 134 तक जाते थे अब ये नया पार्ट फोर है चैप्टर वही रहता है और सेक्शन 124 से 139 तक सेक्शंस जा रहे हैं ठीक है और क्या क्या चेंज आया है सेक्शन टेस्टिफाई सेक्शन 118 बेसिकली डेफिनेशन लेडाउन करता था या वो एक प्रॉपर एक गाइडलाइन ले डाउन करता था कि टेस्टिफाई कौन कर सकता है इन जनरल सिनेरियो टेस्टिफिकेशन या टेस्टिमनी तो हर कोई दे सकता है अडल्ट दे सकता है लेकिन ये एक ऐसी क्लैरिटी लेकर आता था या उस पिक्चर को क्लियर करता था जिस पिक्चर में आपको लगेगा कि ये बंदा तो टेस्टिफाई नहीं कर पाएगा ये तो टेस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए लेकिन एविडेंस लॉ उनको भी एलिजिबल डिक्लेयर करता है ठीक है तो जैसे चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस प्रोवाइडेड कि वो बच्चा समझे कि क्या हुआ है इतनी उसकी जो मैच्योरिटी मेच्योरिटी है वो इस तरह की हो कि उसे समझ आया और वो बोल सके उससे जो पूछा जा रहा है उसका सही जवाब दे सके ठीक है ओवरऑल जो सेक्शन है वो तो चेंज नहीं हुआ है सेक्शन चेंज होकर वन ट्वेंटी में कन्वर्ट हो गया है हु मे टेस्टिफाई बाकी एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड को चेंज किया है इनफैक्ट पूरी क्रिमिनल स्कीम में द वर्ड लूनिटिक हैज बिन चेंज्ड एवरीवेयर ठीक है तो यहां पे एक्सप्लेनेशन में लूनिटिक को इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना गया है सो लूनिटिक इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस प्रोवाइडेड ही इज नॉट प्रिवेंटेड बाय हिज लूनसी और एनी थिंग प्रिवेंट हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो अगर वो जवाब देने में सक्षम है भले ही वो लूनिटिक है इंडियन एविडेंस एक्ट उसे टेस्ट के लिए एलिजिबल एडमिसिबल उसकी टेस्ट को डिक्लेयर करता था अभी जो वर्ड लूनैटिक है इसे चेंज कर दिया है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ठीक है तो दिस इज मोर व्हाट शुड बी से अ लेस हार्श ठीक है ये थोड़ा सा अ uh, फ्रेंडली तो नहीं है खैर लेकिन ये थोड़ा सा काइंड है इट इट हैज अ काइंड ऑफ कॉनोटेशन राइट लूनैटिक इज अ लिटिल हार्श तो मेरे ख्याल से इसीलिए चेंज कर दिया है ठीक है बाकी मीनिंग और पर्पस तो दोनों का सेम ही है ठीक हंड्रेड एंड नाइनटीन कम्युनिकेट वर्बली सेक्शन नंबर चेंज होके में कन्वर्ट हो गया है ठीक है तो इनके आ, कौन वो विटनेस जो बोल नहीं सकते हैं डेफ एंड डम विटनेस वो नाइनटीन में दे रखे थे अब वो वन ट्वेंटी फाइव में दे रखे हैं ठीक है बाकी सब कुछ एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम जो उनकी एस जो उनकी टेस्टमनी का जो नेचर था या जिस तरह से वो एडमिट की जाती थी या जो एविडेंस की चेन में जो उसको दिया जा रहा है रैंकिंग वो बिल्कुल सेम ही रखा हुआ है ठीक है अब 120 पर आ जाते हैं पार्टीज टू सिविल सूट और हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल तो बेसिकली इट Used to कि किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेसेस हो सकते हैं कि नहीं तो सेक्शन कहता है आ, हो सकते हैं। में या किसी भी पार्टी के सूट के कॉम्पिटेंट विटनेसेस है राइट और क्रिमिनल केसेज में भी हसबैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे सो बेसिकली इन बोथ द प्रोसिडिंग सिविल और क्रिमिनल हसबेंड एंड वाइफ आर हेल्प टू बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस अब चेंज क्या हुआ है पहले तो नंबर हो गया चेंज सेक्शन 126 हो गया 120 की जगह बाकी ये जो पैसेज था पैराग्राफ फॉर्मेट जो था नोमेनक्लेचर इसका वो चेंज करके नंबरिंग में ला दिया गया है तो इट हैज गिवन अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, दैट इज द ओनली चेंज ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं फुल स्टॉप से चेंज किया है लेकिन यहाँ पे नंबर से चेंज कर दिया है ठीक है बाकी वही चीज जो पहले 120 कह रहा था 126 ट्वेंटी exactly एक्जैक्टली उसे कह रहा है ऑल सिविल प्रोसीडिंग पार्टी सूट हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द पार्टी शैल बी कॉम्पिटेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट एक्जैक्टली वही बात है कोई चेंज नहीं है अब ये आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे ये से लेकर 125 तक सो बेसिकली 121 ट्वेंटी वन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स को प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम बीइंग क्वेश्चन राइट अबाउट देयर ज्यूडिशियल कंडक्ट और नॉलेज दैट दे माइट हैव ठीक है जब तक कि किसी हायर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता तो अ हायर कोर्ट परमिशन हायर कोर्ट परमिशन अ जज एंड अ मैजिस्ट्रेट और ज्यूडिशियल कंडक्ट और एनीथिंग ऑफ दर नॉलेज ठीक है ये 121 ट्वेंटी वन था नया सेक्शन वन ट्वेंटी सेवन है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन दे वर बींग मैरिड अनलेस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउसूंग एक दूसरे को ही सू नहीं कर दिया है एक दूसरे के खिलाफ ही केस नहीं किया है या फिर दूसरे स्पाउस की परमिशन ले ली है तब तक मैरिज के दौरान हुए कॉम्युनिकेशन को प्रिविलेज और प्रोटेक्टेड माना जाता है और उन्हें रिवील करने के लिए कंपेर नहीं किया जा सकता तो ये बेसिकली प्रिविलेज प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है ठीक है एज टू ऑफ द स्टेट तो कोई भी अनपब्लिश स्टेट रिकॉर्ड जिसको एविडेंस uh, की तरह यूज नहीं करना चाहिए उसको नहीं किया जाएगा सो एनी स्टेट रिकॉर्ड विच इज स्पेशली नॉट मेड पब्लिक के नॉट बी यूज एज एन एविडेंस अनलेस द डिपार्टमेंट टू विच इट बिलोंग्स परमिट्स परमिट्स ठीक है तो जिस डिपार्टमेंट का वो रिकॉर्ड है जब तक वो परमिशन नहीं दे देता तब तक उस अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते ये है सिंपल जिस्ट है ये 123 का ठीक है 124 पढ़ लेते हैं तो 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन सो पब्लिक ऑफिसर्स दे हैव पावर टू विथ होल्ड एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो जिसका डिस्कलोजर पब्लिकली एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है बेसिकली ठीक है तो एनी प्रिविलेज और एनी कम्युनिकेशन दैट पब्लिक ऑफिशियल थिंग्स यू नो वुड हार्म द पब्लिक तो वो उसको विधहोल्ड कर सकता है ही इज नॉट अंडर अ कंपल्शन टू रिवील इट राइट सो दिस इज समथिंग दैट 124 लेड डाउन और 125 जो है वो लॉ एन्फोर्समेंट और रेवेन्यू ऑफिसर्स को एक uh, ज देता है जहां पे तो उनको रिलेटेड कुछ अगर आई है, पास, पास है किसने दी है ये सब रिवील करने के लिए अपने सोर्सेज को रिवील करने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता ठीक है तो ये है जस्ट 121 से लेकर 125 तक उन कम्युनिकेशंस की जो प्रोटेक्टेड हैं जिन्हें एविडेंस लॉ कंपेल नहीं करता ठीक है उनको रिवील उनको एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन सिचुएशंस विच आर ऑल्सो लेड डाउन इन द सेक्शन इट सेल्फ ठीक है ये नंबर ही चेंज हुआ है बस इनका थैंकफुली वन ट्वेंटी वन हो गया है वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी टू हो गया है 128 so बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है ठीक ओके okay. अब 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बेसिकली 126 और 127 को क्लब करके एक नया सेक्शन बना दिया है 132 और 127 को 132 का क्लॉज थ्री बना दिया गया है ठीक है तो 126 आपको पता ही है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात होती है तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में कौन कौन लोग आएंगे उनको बता रखा था अब ये सारे टर्म्स जो यूज कर रखे थे एविडेंस एक्ट हमारा जो नया एविडेंस एक्ट है वो उन्हें हटा चुका है तो द तो टर्म्स आर बीइंग चेंज टू एडवोकेट एंड सर्विस दैट्स इट तो ये बैरिस्टर अटोर्नी प्लीडर वकील एम्प्लॉयमेंट सबको हटा के एडवोकेट और सर्विस को यूज कर दिया गया है ठीक है सबसेक्शन टू तो में वर्ड्स रेफर टू तो इन द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन वन को एड किया गया है सबसेक्शन थ्री को आई टोल्ड यू सेक्शन थ्री जो है 132 का, वो वन ट्वेंटी सेवन है एक्चुअली ठीक है तो दोवीजन ऑफ द सेक्शन शाल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स क्लर्कस और एम्प्लॉय और एडवोकेट्स राइट सो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन विद यू नो एडवोकेट एटसेट्रा उन सबको प्रोटेक्शन दी गई है वन ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन में ओके okay, दी गई थी अब वो सिंगल सेक्शन पूरी हर चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है हर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को जो कि आप अपने लॉयर से एडवोकेट्स वगैरह से करते हैं राइट right, और वो दे रखा है यहाँ ओके okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस सब 128 जो है उसमें चेंज एक बड़ा ही बेसिक सा चेंज आया है

तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रिविलेज कम्युनिकेशन को भी रिवील करने के लिए मान गया है ठीक है ये जिस्ट था 128 का कि अगर एक आदमी वॉलेंटेरली या फिर कंपलजन के अंडर ही किसी एविडेंस को या किसी विटनेस को प्रेजेंट करने के लिए राजी हो गया है तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो वो प्रिवलेज कम्युनिकेशन भी रिवील करने के लिए राजी हो गया है जो एविडेंस एक्ट प्रोटेक्ट करती है ठीक है दिस इज वॉट वन ट्वेंटी एट यूज टू ले डाउन द सिमिलर थिंग एग्जैक्टली एज इट इज इज नाउ बींग प्रोवाइडेड बाय सेक्शन वन थर्टी थ्री ओके एक्सेप्ट विथ फ्यू माइनर चेंजेस जो मैंने आपको बता दिए है ओके वन ट्वेंटी नाइन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स तो वाई लीगल एडवाइजर्स प्रोटेक्टेड कॉन्वर्सेशन होते हैं वो सारे कॉन्वर्सेशन जो आपने अपने लीगल एडवाइजर से लिए या उसके साथ किए उसे 129 प्रोटेक्ट करता था ठीक है तो वो ही कैनॉट रिवी लेट नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्कलोज टू कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर तो कोई भी किसी भी तरह से आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप उस कम्युनिकेशन को रिवील करें जो आपने अपने लीगल एडवाइजर के साथ किया हालांकि अन इज अ प्रोवाइजो टू ही ऑफर्स हिमसेल्फ अ विटनेस जब तक कि इन दोनों में से कोई अपने आप को एज विटनेस वॉलेंटेली प्रेजेंट नहीं करता तब तक इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप वो सारी की सारी बातें बताएं जो आपने अपने उस एडवाइजर से की थी राइट right. अगर विटनेस की तरह कोई आदमी अपने आप को ऑफर कर देता है फिर तो एज विटनेस आपको कंपेल किया जा सकता है इस इस डिस्क्लोजर के लिए भी कंपेल किया जा सकता है ओके okay. जहां पे भी कोर्ट को लगता है कि दिस डिस्क्लोजर इज नेसेसरी टू रिवील द फैक्ट्स एंड एंडCircumstances ऑफ द केस द सेम सेक्शन इज नाउ सेक्शन 134 बस प्रोफेशनल एडवाइजर की जगह लीगल एडवाइजर कर दिया गया है वर्ड प्रोफेशनल को हटा दिया है बाकी एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एज इट इज ओके सेक्शन 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स नाउ इज 135 131 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इज 136 132 टू 137 बन चुका है 133 की अकॉम्प्लिस की डेफिनेशन ऑफ 138 में दे रखी है 134 में जहां पे कितने विटनेसेस आप ला सकते हैं वो अब 139 में दे रखा है ठीक है तो बस सेक्शन नंबर ही चेंज हुआ है बाकी कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ सेम रहता है और इसमें कोई और मेजर बदलाव नहीं आया है अब आ जाते हैं चैप्टर इलेवन अब नए लॉ में चैप्टर इलेवन जो है वो सेक्शन 169 को कवर करता है 169 पहले वाले लॉ में था ही नहीं इनफैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट सेक्शन 167 है जो अब 169 है ठीक है पार्ट थ्री तक था इंडियन एविडेंस एक्ट नया पार्ट फोर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया है ये सब चीजें तो हम पहली क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे ठीक है तो 167 जो लास्ट था वो लास्ट सेक्शन था इंडियन एविडेंस एक्ट का वो नया 169 है सेम ही चीज को बता रहा है कि भाई जस्ट बिकॉज किसी एविडेंस को इम एडमिट किया गया या रिजेक्ट कर लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली उस केस को रिट्राई किया जाएगा या फिर जजमेंट को रिवर्स कर दिया जाएगा ठीक है अनलेस कोर्ट इस determination पे पहुंचे या इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर ले कि अगर वो जो एविडेंस एडमिट किया है उसे लेपरली एडमिट हम कर लेते या जिस एविडेंस को हम रिजेक्ट कर चुके उसे हम एक्सेप्ट कर लेते तो जजमेंट या केस का आउटकम कुछ और होता तो जब तक कोर्ट इस कंक्लूजन पे नहीं आता तब तक उस केस के उसी जजमेंट को फाइनल मान लेते हैं ना तो उस केस को रिट्राई किया जाता है ना ही उस जजमेंट को रिवर्स किया जाता है और यही चीज एग्जैक्टली बहुत सारे शब्दों में 167 सिक्सटी सेवन ले डाउन करता था अब नया जो सेक्शन है जो इसी चीज को वापस से बता रहा है वो 169 है ओके अब बाकी जो भी कुछ है 167 के बाद 168 169 170 वो सब नए सेक्शंस हैं जो पहले नहीं थे तो 170 चैप्टर 12 में है नए पार्ट में है ये नया चैप्टर है और 170 सेविंग्स और रिपील क्लॉज है तो डिक्लेयर करता है कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील किया जा चुका है बड़ी ही इमोशनल मोमेंट की बात है ये इसे जब मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा अः नोस्टैल्जिक हो जाती हूँ खैर कोई बात नहीं जो हो गया सो हो गया राइट right, तो इंडियन एविडेंस एक्ट इस क्लॉज के इस नए सेक्शन के हिसाब से पूरी तरह से रिपील किया जा चुका है हालांकि जो ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या फिर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं केस है जो भी कुछ चल रहा है राइट वॉट एवर इज ऑन गोइंग चाहे वो ट्रायल है चाहे वो इंक्वायरी है चाहे इन्वेस्टिगेशन है चाहे प्रोसीडिंग है लीगल या जुडिशियल कोई भी वो अगर पुराने एविडेंस लॉ के हिसाब से चल रही थी तो वो उसी लॉ के हिसाब से चलेगी और उन केसेस के लिए यही माना जाएगा कि लॉ कभी बदला ही नहीं दिस इज वॉट वन सेवेंटी लेस डाउन ठीक है तो दिस इज रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज पढ़ सकते हैं

वो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है उनपे पुराना ही लॉ लगेगा अब जो नए केसेस होंगे जो नई एफ एफ आई आर होंगी जो इन लॉस के एनफोर्समेंट के बाद जो आ, मसले होंगे दुनिया में इस देश में उन्हें नए लॉस के हिसाब से डील किया जाएगा बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे चल रहा था चलेगा ठीक है तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बैर एक्ट्स हैं वो अभी भी रेलेवेंट है तो उन्हें फेंकिएगा मत <laughs> क्योंकि अगर जज बन जाते हैं और कोई पुराना केस डील कर रहे हैं तो वही बेराठ काम आएगी है ना नहीं तो भूल भाल जाएंगे एनी हाउ तो ये था हमारा एविडेंस एक्ट आई होप आप फेमिलियर हो गए हैं समझ गए हैं कि क्या चेंज हुआ है किस तरह से हुआ है किस तरह से आपको उस चेंज को अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट करना है दिस इज समथिंग दैट आई लीव टू योर बेटर जजमेंट ओके क्वेश्चन कर लेते हैं हु मे टेस्टिफाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं और इसी तरह के और क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है इसी तरह की प्रैक्टिस आपको इन सेक्शन से थोड़ा एक फेमिलियरिटी दे देगी और आप एकदम कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं रहेंगे कि पहले ये याद किया अब ये कैसे याद करूं ठीक है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अगर लगातार करते रहेंगे तो इन सेक्शंस पे भी एक ग्रिप बन जाएगी भले ही वो एकदम उस तरह से मेमोराइज ना हो पाए जैसे पहले आपको थे लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये एक फायदा रहता है तो इस प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करिए मेक श्योर sure कि आपको जितने जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं स्पेशली नए लॉस से रिलेटेड राइट right? और बाकी दृष्टि आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा एक आद यहाँ बाकी सारे इंस्टाग्राम पे स्टेट्यून वीडियोज को रेगुलरली फॉलो करिए राइट right, तो ये वीडियो हर दिन आता है साढ़े पांच से छह के बीच में रिलीज होता है मेक श्योर sure आप इसे देख रहे हैं नए लॉस को समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं अपने प्रिपेरेशन में इंक्लूड कर रहे हैं पीछे नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जब कॉम्पिटिशन की बात होती है तो मेक श्योर की आपकी मेहनत किसी से कम ना हो क्योंकि अगर मेहनत पूरी जान लगा के पूरी ईमानदारी से कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है ना बिल्कुल यकीन माने मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है और अगर आप बस ऑनेस्टी को ईमानदारी को अपनी मेहनत में इंक्लूड कर दीजिए वो हंड्रेड परसेंट फल लेकर आएंगे ठीक है चलिए बहुत हो गया आज के लिए इतना ही काफी है और फिर मिलेंगे तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन बाय टेक केयर